गाड़ी की सफाई। डैडी पिग पूरे परिवार को गांव में घुमाने ले जा रहे हैं। चलो चले, सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं। हाँ डैडी पिग, हम तैयार हैं। पर गाड़ी तैयार नहीं, देखो कितनी गंदी है। ओ, इतनी गंदी नहीं है, अंदर से देखो ज्यादा गंदी है। शरारती गंदे डैडी। शरारती गंदे डैडी। जरा ये सब कचरा तो देखिए, अखबार। वो मेरे हैं। चॉकलेट। वो मेरे हैं। मिस्टर डायनासोर। डायनासोर। घूमने जाने से पहले हमें गाड़ी साफ करनी चाहिए। ओ, सही कह रही हो मम्मी पिग। मम्मी, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ, अगर तुम्हें करनी हो तो। डैडी पिग गाड़ी धोने के लिए साबुन वाला गुनगुना पानी लाए। डैडी पिग छत धो रहे हैं। मम्मी पिग बोनेट धो रही है। पेपा दरवाजे धो रही है। जॉर्ज को खिड़कियां धोनी हैं, पर वो बहुत छोटा है। बेचारा जॉर्ज, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओहो, जॉर्ज ने अपना स्पंज मिट्टी के गड्ढे में गिरा दिया। जॉर्ज, तुम गाड़ी को दोबारा गंदा कर रहे हो। मैं मिट्टी को धो देती हूँ। पेप्पा, वो पानी गंदा है। ओफो, पेप्पा ने गंदा पानी पूरी गाड़ी के ऊपर फेंक दिया। ओह। कोई बात नहीं, हम बगीचे के पाइप से उसे धो देते हैं। हाँ हाँ, क्या मैं पाइप पकड़ सकती हूँ? पेपा ने पाइप पकड़ी और डैडी पिग ने पानी शुरू कर दिया। पानी कहाँ है? पेपा, रुको। सॉरी मम्मी। डैडी पिग, प्लीज पानी बंद कर दीजिए। लो अभी किए देता हूँ। ओहो, सब भीग गए। चलो, अब कार तो धुल गई। हम सब भी धुल गए। जाओ अपने आप को सुखा लो, मैं गाड़ी पॉलिश कर लेता हूँ। बाद में मिलते हैं। मिलते हैं बाद में। डैडी पिग इतनी अच्छी तरह से गाड़ी पॉलिश कर रहे हैं कि उसमें उनका चेहरा दिख रहा है। कितना मजेदार चेहरा है ना? ओ, और भी मजेदार चेहरे। ये तो पेपा और जॉर्ज हैं। और मम्मी पिग भी। कितनी सुंदर चमकीली गाड़ी है ना? हाँ, मैं इन सारी चीजों में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। चलो, आज मैं चलाऊंगी। क्या सब तैयार हैं? तैयार। तो फिर चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम सब आज ये गाड़ी साफ रखोगे। हाँ मम्मी पिग। हाँ मम्मी पिग। मम्मी, अब आपने गाड़ी फिर से गंदी कर दी। शरारती मम्मी। शरारती गंदी मम्मी। हिकप्स। पेपा, जॉर्ज, मम्मी और डैडी नाश्ता कर रहे हैं। ये एक प्यारा सा सुहाना दिन है। पेपा और जॉर्ज गार्डन में खेलने के लिए जाना चाहते हैं। मम्मी, क्या हम खेलने के लिए बाहर जाएं? तुम अपना नाश्ता खत्म करके बाहर खेलने जा सकते हो।
जॉर्ज, अपना जूस इतनी जल्दी मत पियो। जॉर्ज ने अपना जूस जल्दी से पी लिया और अब उसको हिचकियां लग गई हैं। क्या अब हम जा सकते हैं मम्मी? नहीं, जॉर्ज को हिचकियां आ रही हैं। लेकिन जॉर्ज की हिचकियां बंद हो गई मम्मी। हो गई है ना जॉर्ज? ठीक है, तुम बाहर खेलने जा सकती हो, लेकिन जॉर्ज का ध्यान रखना। पेपा और जॉर्ज को गार्डन में खेलना पसंद है। जॉर्ज, मैं बॉल फेंकने वाली हूँ, फिर तुम उसे पकड़ना, ठीक है? जॉर्ज, हिचकियाँ लेना बंद करो। जॉर्ज, अब तुम बॉल मेरी तरफ फेंको, मैं उसे पकड़ूंगी। जॉर्ज, ओह डियर, जॉर्ज की हिचकियों से खेल बिगड़ रहा है। जॉर्ज, मैं जानती हूँ हिचकियाँ कैसे ठीक करनी है। तुम वैसा करो जैसा मैं कहूँ। अपने सिर को खुजाओ और पेट को रगड़ो। बढ़िया, अब तुम्हारी हिचकियाँ बंद हो गई। पेपा ने हिचकियों का जो इलाज किया उसने काम नहीं किया। जॉर्ज, ये तुमने बिल्कुल गलत किया। मुझे हिचकियाँ ठीक करने का अच्छा तरीका आता है। पहले एक टांग पर 3 बार ऊपर नीचे कूदो। अब अपना हाथ हिलाओ ऊपर और नीचे और अपनी जीभ बाहर निकालो। और अब अपनी आंखें बंद करो और तेजी से घूमो, सिर्फ 3 बार। पेपा के नए इलाज ने भी काम नहीं किया। जॉर्ज को अभी भी हिचकियां आ रही हैं। मैं जानती हूँ हिचकियों का इलाज। बीमार पिगी को एक शॉक दिया जाना चाहिए। जॉर्ज, मैं तुम्हें डराने वाली हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना ये सिर्फ एक खेल है और इससे तुम्हारी हिचकियां बंद हो जाएंगी। याद रखना, ये सिर्फ डराने का खेल है। पेपा, तुम्हें जॉर्ज के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए, ये बहुत छोटा है। माफ करना मम्मी, मैं जॉर्ज की हिचकियां रोकने की कोशिश कर रही थी। जॉर्ज की हिचकियां बंद हो गईं। डैडी पिग जूस के 2 गिलास लेकर आते हैं। जॉर्ज, इस तरह पियोगे तो फिर से हिचकियां लग जाएंगी। मैं उतनी छोटी नहीं हूँ जितना जॉर्ज। मैं अपना जूस बहुत जल्दी पी सकती हूँ। Secrets. मम्मी पिग ने पेपा के लिए एक खास बॉक्स बनाया है। पेपा, ये बॉक्स सिर्फ तुम्हारे लिए है। शुक्रिया मम्मी। ये एक सीक्रेट बॉक्स है तुम्हारी सीक्रेट चीजें रखने के लिए। मैं इसमें कौन सी चीज रख सकती हूँ मम्मी? वो तुम खुद ही सोचो पेपा, ये तुम्हारा सीक्रेट बॉक्स है। मैं जानती हूँ मैं इसमें क्या रख सकती हूँ। गुड, पर मुझे मत बताना। मैं ना आपको बताऊंगी, ना जॉर्ज को, ना डैडी को। ये एक सीक्रेट है। जॉर्ज, ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है। ये खाली है, इसके अंदर रखने के लिए मुझे कुछ ढूंढना है। जॉर्ज पेपा की मदद करना चाहता है। नहीं जॉर्ज, सिर्फ मुझे पता होगा बॉक्स में क्या है। जब तक मैं पसंद करूं, तुम बाहर इंतजार करो।
पेपा ने बॉक्स में रखने के लिए कुछ सीक्रेट चीजें पसंद की हैं। अब मेरा सीक्रेट बॉक्स भरा है। जॉर्ज, तुम्हें इसके अंदर नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज को जानना है कि पेपा के सीक्रेट बॉक्स में क्या है। अगर तुम चाहो तो गेस कर सकते हो। जॉर्ज को लगता है कि पेपा ने बॉक्स में एक डायनासोर को रखा है। ओह जॉर्ज, तुम हमेशा हर चीज को डायनासोर ही कहते हो। और मैं तुम्हें बता दूं, एक डायनासोर इस बॉक्स में कभी भी नहीं बैठ सकता। जॉर्ज पता नहीं लगा पा रहा है कि सीक्रेट बॉक्स में क्या है। डैडी पिग एक तस्वीर साफ कर रहे हैं। डैडी, ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है, मम्मी ने इसे मेरे लिए बनाया है। ये बहुत अच्छा है पेपा, इसके अंदर क्या है? ये एक सीक्रेट है। जॉर्ज ने पता लगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बता पाया। क्या मैं कोशिश करूं? हाँ। क्या तुमने मेरा चश्मा अंदर रखा है? नहीं, आपका चश्मा तो आपके सिर पर है। हाँ वो है। अब भी ना डैडी, आपको सोचकर बताना चाहिए था। क्या तुमने अपनी मम्मी के जूते बॉक्स में रखे हैं? नहीं, और आप इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। पेपा को सीक्रेट पसंद है। मम्मी, किसी को नहीं पता मेरे बॉक्स में क्या है। ओह, जॉर्ज के पास क्या है? मैंने जॉर्ज के लिए भी एक बॉक्स बनाया था और इसने उसे सीक्रेट चीजों से भर दिया, और सिर्फ जॉर्ज को पता है कि उसके अंदर क्या है। ओह। पेपा जानना चाहती थी कि जॉर्ज के बॉक्स के अंदर क्या है। ये जरूर जॉर्ज का खिलौना डायनासोर है। नहीं, जॉर्ज का खिलौना डायनासोर जॉर्ज के बॉक्स में नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बता सकती। पेपा को सीक्रेट सब इतने पसंद नहीं है जितने उसे पहले थे। अगर तुम जॉर्ज को अपनी बॉक्स से एक चीज दिखाती तो वो भी तुम्हें अपनी एक चीज दिखाता। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा एक साथ करना होगा। ये एक अच्छा आइडिया है। तीन गिनने पर तुम दोनों दिखाओ कि तुम्हारे बॉक्सेस में क्या है। तैयार? हाँ। एक, दो, तीन। जॉर्ज के पास है ड्रम और पेपा के पास है ट्रम्पेट। ओहो, अच्छा है। हाँ, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। क्या तुम्हारे पास और सीक्रेट चीजें हैं? जॉर्ज के पास एक कस्टर्ड डोनट है। ओह। लेकिन पेपा का बॉक्स खाली है। मेरे पास और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं पेपा, मेरे पास है, ये लो। जॉर्ज, पेपा, मम्मी पिग और डैडी पिग सबको कस्टर्ड डोनट्स पसंद हैं। मेरे पास कोई खास बॉक्स नहीं है। मेरे पास एक बहुत अच्छी जगह है अपने कस्टर्ड डोनट छुपाने की। क्या तुम बता सकते हो कहाँ? आप उसे छुपाने वाले हैं फ्रिज में? नहीं, कहीं उससे ज्यादा खास, मेरा पेट। स्वादिष्ट। और मैं अपना डोनट अपने पेट में छुपाऊंगी। और मैं भी। डैडी loses his glasses. डैडी पिग चश्मा पहनते हैं। उन्हें साफ देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है। जब डैडी पिग चश्मा पहनते हैं तो उन्हें सब कुछ साफ दिखता है। लेकिन जब डैडी पिग चश्मा उतार देते हैं तो उन्हें चीजें साफ नहीं दिखती हैं। सब कुछ हल्का और धुंधला दिखता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि डैडी पिग को पता हो कि उनका चश्मा कहाँ है। कभी कभी डैडी पिग अपना चश्मा खो देते हैं। पेपा, जॉर्ज, क्या तुमने डैडी पिग का चश्मा देखा है? उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा। नहीं मम्मी। पेपा और जॉर्ज नहीं जानते कि डैडी पिग का चश्मा कहाँ है। ओह डियर, डैडी पिग उसके बिना कुछ नहीं देख पाते और फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। बिना अपना चश्मा पहने डैडी पिग अपना अखबार नहीं पढ़ सकते। ये बहुत अजीब है, मैं कुछ नहीं देख सकता।
किसी ने तो मेरा चश्मा कहीं रखा होगा। क्या आपको याद है आपने उन्हें आखिरी बार कहाँ रखा था? जब मैं वो नहीं पहनता तो हमेशा उसे अपनी जेब में रखता हूँ, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। डैडी, क्या हम चश्मा ढूंढने में आपकी मदद करें? अच्छा आइडिया है, अगर उसे ढूंढ लोगी तो डैडी चिड़चिड़ाना बंद कर देंगे। मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा हूँ। पेपा और जॉर्ज डैडी का चश्मा ढूंढ रहे हैं। पेपा अखबार के नीचे देखती है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ नहीं है। जॉर्ज टीवी के ऊपर देखता है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो ऊपर मम्मी डैडी के बेडरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिग के बेडरूम में ढूंढ रहे हैं। जॉर्ज, ध्यान से किसी चीज से टकरा मत जाना। ये कोई मजाक नहीं है। पेपा तकिए के नीचे देखती है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ भी नहीं है। जॉर्ज डैडी के स्लीपर्स में देखता है, लेकिन चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो बाथरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज बाथरूम में ढूंढ रहे हैं, चश्मा टब में नहीं है। चश्मा टॉयलेट में भी नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। पेपा और जॉर्ज को डैडी पिग का चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है। हमने सब जगह देखा, लेकिन हमें डैडी का चश्मा नहीं मिला। ओह डियर, अब हम क्या करें? लगता है मुझे उसके बिना ही काम चलाना होगा। अगर मैं धीरे चलूंगा तो मैं चीजों से नहीं टकराऊंगा। ये यहाँ है डैडी का चश्मा। डैडी पिग, आप तब से उसी पर बैठे हुए थे। ओह। अब भी ना डैडी। पता नहीं ये यहाँ कैसे पहुँचा। मैं जानती हूँ कैसे। आप थोड़े भुलक्कड़ तो हैं डैडी पिग, लेकिन अब आप चिड़चिड़े तो नहीं हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा था। पेपा और जॉर्ज लुका छिपी खेल रहे हैं। ये जॉर्ज के छुपने की बारी है, उसे जल्दी ही छुपने की कोई जगह ढूंढनी होगी इससे पहले कि पेपा गिनती पूरी कर ले। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। जॉर्ज को बिल्कुल समय पर छुपने की एक जगह मिल गई है। दस। तैयार हो या नहीं, मैं आ रही हूँ। पेपा को ढूंढना है कि जॉर्ज कहाँ छुपा है। तुम्हें ढूंढ लिया। पेपा ने जॉर्ज को ढूंढ लिया। जॉर्ज, मैं तुम्हें आसानी से देख सकती थी। अब पेपा की बारी है छुपने की। तीन। मैं जॉर्ज की गिनने में मदद करूंगी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। ठीक है जॉर्ज, अपनी आंखें खोलो। जॉर्ज को ढूंढना है कि पेपा कहाँ छुपी है। आओ। पेपा मेज के नीचे नहीं छुपी है। जॉर्ज, क्या तुमने ऊपर ढूंढने के बारे में सोचा है? पेपा बिस्तर के नीचे नहीं है। वो कैसी अजीब सी आवाज थी?
पेपा पर्दे के पीछे भी नहीं है। फिर से वही अजीब सी आवाज, वो क्या हो सकता है? जॉर्ज ने ढूंढ लिया कि पेपा कहाँ छुपी थी। जॉर्ज ने मुझे ढूंढ लिया, अब डैडी के छुपने की बारी है। मुझे लगता है जॉर्ज को एक और बारी मिलनी चाहिए। लेकिन जॉर्ज को ठीक से छुपना नहीं आता। मुझे यकीन है इस बार वो अच्छा खेलेगा। अपनी आंखें बंद करो और गिनती शुरू करो। एक, दो, ओह डियर, पेपा आसानी से जॉर्ज को ढूंढ लेगी। पाँच, छः, जॉर्ज यहाँ पर आ जाओ। सात, आठ, नौ, दस। तैयार हो या नहीं, मैं आ रही हूँ। ओह, जॉर्ज मेज के नीचे नहीं छुपा है। लेकिन जॉर्ज तो हमेशा मेज के नीचे छुपता है। क्या तुमने ऊपर ढूंढने के बारे में सोचा? मैं जानती हूँ वो कहाँ है। जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में है। ओह, जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में नहीं है, वो कहाँ हो सकता है? पेपा को जॉर्ज कहीं नहीं मिला। डैडी, मुझे जॉर्ज कहीं नहीं मिला। ओ डियर, मैं सोचता हूँ वो कहाँ हो सकता है। असल में मुझे लगता है इस न्यूज़पेपर में जॉर्ज के बारे में कुछ है। जॉर्ज, तुम्हें ढूंढ लिया। ओ जॉर्ज, वो छुपने की अच्छी जगह थी। जॉर्ज पूरा समय डैडी पिग के न्यूज़पेपर के पीछे छिपा रहा। मिस्टर डायनासोर इज लॉस्ट। जॉर्ज का मनपसंद खिलौना है मिस्टर डायनासोर। डायनासोर। जॉर्ज को मिस्टर डायनासोर बहुत पसंद है। कभी कभी जॉर्ज को मिस्टर डायनासोर से पेपा को डराने में मजा आता है। वो बहुत डरावना है। खाने के वक्त मिस्टर डायनासोर जॉर्ज के पास बैठते हैं। ये क्या हो रहा है? ये तुम थे जॉर्ज या फिर मिस्टर डायनासोर? डायनासोर। नहाने के समय जॉर्ज मिस्टर डायनासोर को अपने साथ नहलाता है। गुड नाइट पेपा। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट जॉर्ज और गुड नाइट मिस्टर डायनासोर। जब जॉर्ज सोने के लिए जाता है तो मिस्टर डायनासोर भी उसके साथ सोते हैं। जॉर्ज का मनपसंद खेल है मिस्टर डायनासोर को ऊपर हवा में उछालना और उन्हें पकड़ना जब वो वापस नीचे गिरते हैं। पेपा और डैडी पिग ड्रॉट्स खेल रहे हैं। मैं जीत गई डैडी। ओह, शाबाश पेपा। जॉर्ज, जॉर्ज क्या बात है बेटा? डायनासोर। जॉर्ज, मिस्टर डायनासोर खो गए क्या? जॉर्ज ने मिस्टर डायनासोर को खो दिया। फिक्र मत करो जॉर्ज, हम मिस्टर डायनासोर को ढूंढ लेंगे। ये तो एक जासूस का काम है। डैडी, क्या होता है ये जासूस? पेपा, जासूस एक खास व्यक्ति होता है जो चीजें ढूंढने में माहिर होता है। चीजें ढूंढने में माहिर हूँ। तो ठीक है, पेपा ही जासूस है। जॉर्ज, मैं हूँ जासूस। मैं मदद करूंगी मिस्टर डायनासोर को ढूंढने में। मुझे लगता है जासूस को जॉर्ज से कुछ आसान से सवाल पूछने चाहिए। जॉर्ज,
मिस्टर डायनासोर कहाँ है? जॉर्ज नहीं जानता कि मिस्टर डायनासोर कहाँ है। जासूस को सोचना चाहिए कि मिस्टर डायनासोर कहाँ हो सकते हैं। मुझे पता है वो कहाँ है। जॉर्ज जब भी नहाता है मिस्टर डायनासोर उसके साथ होता है, तो मिस्टर डायनासोर टब में होंगे। मिस्टर डायनासोर टब में नहीं है। ओह, मुझे पता है, मुझे पता है मिस्टर डायनासोर कहाँ है। जॉर्ज हमेशा रात को मिस्टर डायनासोर को अपने बिस्तर पर सुलाता है, इसलिए वो वहीं पर है। मिस्टर डायनासोर जॉर्ज के बिस्तर में भी नहीं है। ओह, शायद हमें गार्डन में ढूंढना चाहिए। हाँ, गार्डन। मैं वही कहने वाली थी। मिस्टर डायनासोर कहाँ है? मिस्टर डायनासोर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। मिस्टर डायनासोर यहाँ कहीं नहीं है। जॉर्ज, तुम्हें मिस्टर डायनासोर को हवा में उछालना पसंद है। मुझे लगता है इस बार तुमने मिस्टर डायनासोर को थोड़ा ज्यादा ऊपर उछाल दिया है। वो वहाँ है, वो वहाँ है। मैंने उन्हें पहले देखा। शाबाश पेपा, तुम सच में एक बहुत अच्छी जासूस हो। डायनासोर जॉर्ज मिस्टर डायनासोर को वापस पाकर बहुत खुश है। शायद पेड़ों के पास डायनासोर से खेलना एक अच्छा आइडिया नहीं है। पेपा और जॉर्ज ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग के घर खेल रहे हैं। ग्रैंडपा पकड़ो। हो, 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 पकड़ो। ओ, ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर। ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं? मैं ये बीज बो रहा हूँ। बीज? बीज क्या करते हैं? बीज बड़े होकर पौधे बनते हैं। मैं बस एक छोटा छेद बनाऊंगा और उसमें बीज डाल दूंगा। फिर मैं इसे मिट्टी से ढक दूंगा और पानी डालूंगा। मेरे बाग की हर चीज इन छोटे बीजों से ही उगी है। ये बड़ा सेब का पेड़ भी? ओ हाँ, ये छोटा बीज बड़ा होकर एक छोटा सेब का पेड़ बन जाएगा, इस तरह। और ये छोटा सेब का पेड़ बन जाएगा एक बड़ा सेब का पेड़, इस तरह। और इस सेब में बहुत सारे बीज हैं। और सेब के पेड़ उगाने के लिए? बिल्कुल ठीक। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, मुझे भी एक बीज लगाना है। क्या तुम एक स्ट्रॉबेरी का बीज लगाओगी? हाँ बिल्कुल। ये बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉबेरी का पौधा बन जाएगा। पहले एक छोटा छेद बनाओ। फिर मैं ये बीज डालूंगी और मिट्टी से ढक दूंगी। क्या मैं इसमें पानी डालूं? नहीं नहीं, मैं पानी डालूंगी। ठीक है, अब हमें इसके बढ़ने का इंतजार करना है। पेपा और जॉर्ज बीज के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हें धीरज रखना होगा पेपा, इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा। पेपा, जॉर्ज, घर जाने का समय हो गया। लेकिन हम इस पौधे के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरीज चाहिए। चिंता मत करो पेपा, अगली बार जब तुम आओगी तो ये बीज एक पौधा बन चुका होगा। और फिर हमें स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी। हाँ। आओ चले पेपा। बाय बाय ग्रैंडपा, बाय बाय स्ट्रॉबेरी। ग्रैंडपा पिग पेपा के स्ट्रॉबेरी के पौधे की देखभाल करते हैं।
कुछ दिनों बाद ग्रैंडपा पिग एक छोटे से पौधे को बड़ा हुआ देखते हैं। धीरे धीरे पौधा बड़ा और बड़ा होता गया। फिर एक दिन ग्रैंडपा पिग को बहुत खास कुछ दिखा। स्ट्रॉबेरीज। ग्रैंडपा हम आ गए। पेपा और जॉर्ज फिर से खेलने आए हैं। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, क्या मेरा पौधा बढ़ गया? हाँ, देखो। स्ट्रॉबेरीज। शुक्रिया ग्रैंडपा। ग्रैंडपा, क्या हम कुछ और उगा सकते हैं? हाँ, अब जॉर्ज की बारी है लगाने की। हाँ जॉर्ज, तुम लगाओ गाजर। ग्रैंडपा, मेरे ख्याल से जॉर्ज गाजर लगाना चाहता है। जॉर्ज, क्या तुम गाजर उगाना चाहते हो? ना। तुम क्या उगाना चाहते हो? जॉर्ज ने कुछ सोच लिया है जो वो उगाना चाहता है। जॉर्ज उगाना चाहता है एक डायनासोर पेड़। तुम भी जॉर्ज, डायनासोर पेड़ पर नहीं उगते हैं। मडी पडल्स। आज बारिश हो रही है, इसलिए पेपा और जॉर्ज बाहर नहीं खेल सकते। डैडी, बारिश रुक गई, अब हम बाहर खेलने जाएं? ठीक है, खेलो बाहर दोनों। पेपा को पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना। मुझे पसंद है मिट्टी के गड्ढे। पेपा, अगर तुम्हें मिट्टी के गड्ढों में कूदना है तो अपने बूट्स पहनने चाहिए। सॉरी मम्मी। जॉर्ज को भी पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना। जॉर्ज, अगर तुम्हें मिट्टी के गड्ढों में कूदना है तो तुम्हें अपने बूट्स पहनने चाहिए। पेपा अपने छोटे भाई जॉर्ज का ध्यान रखती है। जॉर्ज, आओ कुछ और गड्ढे ढूंढे। पेपा और जॉर्ज को खूब मजा आ रहा है। पेपा को मिला है एक छोटा गड्ढा, जॉर्ज को भी मिला है एक गड्ढा। देखो जॉर्ज, कितना बड़ा गड्ढा है। जॉर्ज बड़े गड्ढे में पहले कूदना चाहता है। रुको जॉर्ज, पहले मैं देख लूं ये सुरक्षित है या नहीं। अच्छा है, ये तुम्हारे लिए सुरक्षित है। सॉरी जॉर्ज, ये बस मिट्टी ही तो है। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे बहुत पसंद है। आओ जॉर्ज, हम जाकर डैडी को बुलाते हैं। अरे ये क्या? डैडी, डैडी, सोचो हम क्या कर रहे थे। सोचने दो मुझे, तुम लोग टेलीविजन देख रहे थे क्या? नहीं नहीं डैडी। तुम अभी अभी नहाए हो? नहीं नहीं। ओ अच्छा, तुम मिट्टी के गड्ढों में खेल रहे थे। हाँ हाँ डैडी, हम मिट्टी के गड्ढों में खेल रहे थे। हो, और देखो क्या हाल किया है तुमने। ओ कोई बात नहीं, मिट्टी ही तो है।
चलो जल्दी से साफ कर दे वरना मम्मी नाराज होंगी। डैडी, साफ होने के बाद आप और मम्मी हमारे साथ खेलेंगे ना? हाँ, सब गार्डन में खेल सकते हैं। पेपा और जॉर्ज ने अपने बूट पहन रखे हैं। मम्मी और डैडी ने भी अपने बूट पहन रखे हैं। पेपा को पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना। सबको पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना। ओह डैडी पिग, देखो क्या हाल बनाया है आपने। ये मिट्टी ही तो है। Begin the middle. जॉर्ज गार्डन में अपनी बॉल के साथ खेल रहा है। पेपा भी खेलना चाहती है। जॉर्ज, ये सही तरीका नहीं है। बॉल इस तरह से पकड़ते हैं। इस तरह नहीं। तुम ऐसा करते हो। पेपा कितनी शैतान छोटी सी पिग है। जॉर्ज, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। लगता है पेपा जॉर्ज को थोड़ा ज्यादा ही परेशान कर रही है। पेपा, तुम जॉर्ज को परेशान कर रही हो? ये सच नहीं है मम्मी, मैं उसे बॉल पकड़ना सिखा रही थी। मैं खेल जानती हूँ जिससे जॉर्ज सीखेगा गेंद कैसे पकड़नी है। इसे कहते हैं पिगी इन द मिडल। पेपा, तुम बॉल लो और वहाँ पर खड़ी हो जाओ, और जॉर्ज तुम वहाँ पर खड़े हो जाओ। बढ़िया, तुम्हें बॉल एक दूसरे की तरफ फेंकनी है और मुझे कोशिश करके पकड़ना है। मैं हूँ पिगी इन द मिडल। मम्मी है पिगी इन द मिडल। पकड़ो जॉर्ज। ओह, छूट गई। जॉर्ज ने बॉल पकड़ ली। हुर्रे! शाबाश जॉर्ज, अब तुम पेपा की तरफ बॉल फेंको। ओ, फिर कोशिश करो। कोशिश करो। जॉर्ज मम्मी के ऊपर से बॉल नहीं फेंक पा रहा है। रहने दो जॉर्ज, बॉल मुझे दे दो। क्या बात है जॉर्ज, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। पेपा जॉर्ज की नकल करना चाहती है लेकिन वो बहुत बड़ी है और फंस जाती है। बॉल मेरे पास है पेपा, अब पिगी बनने की तुम्हारी बारी है। जॉर्ज पकड़ो। हुर्रे! पकड़ लिया। जॉर्ज, अब तुम बनो पिगी। जॉर्ज पकड़ो। बॉल को पकड़ो जॉर्ज। पकड़ो जॉर्ज। जॉर्ज पकड़ो। बॉल यहाँ है जॉर्ज। ओ डियर पेपा, तुम्हें जॉर्ज को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। माफ करना जॉर्ज। ये शोर कैसा है? डैडी, जॉर्ज पिगी इन द मिडल खेलने के लिए बहुत छोटा है। मैं जानता हूँ वो काफी बड़ा है। नहीं, वो नहीं है डैडी, ये देखिए। इसे पकड़ो जॉर्ज। हुर्रे! ये ठीक नहीं है। हाँ ये ठीक है, मैं सिर्फ जॉर्ज की मदद कर रहा था।
मम्मी क्या आप मेरी मदद करेंगी? बिल्कुल करूंगी पेपा। मेरी तरफ जॉर्ज, पकड़ो जॉर्ज। पेपा को बॉल पकड़ना पसंद है, जॉर्ज को भी बॉल पकड़ना पसंद है, सबको बॉल पकड़ना पसंद है। Flying a kite. ये चमकता हुआ एक सुनहरा दिन है। पेपा और उसका परिवार पार्क में है। वो एक पतंग उड़ाने वाले हैं। पहले जॉर्ज पतंग उड़ाएगा। जॉर्ज बहुत तेज दौड़ता है लेकिन उसकी पतंग नहीं उड़ती। जॉर्ज तुम सब गलत कर रहे हो। तुम बहुत तेज नहीं दौड़े। अब मेरी बारी है। पेपा बहुत तेज दौड़ती है लेकिन पतंग अभी भी नहीं उड़ी। बाहर हवा नहीं है तो पतंग नहीं उड़ेगी, चाहे तुम कितना भी तेज दौड़ लो। जब तक थोड़ी हवा ना चले हम सबको इंतजार करना होगा। देखो हवा चल रही है। अब जबकि हवा चल रही है तो पतंग उड़ सकती है। अब हवा काफी तेज है। अब हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। शुक्रिया डैडी। डैडी पिग पतंग उड़ाते हैं। और ऊपर और ऊपर। डैडी पिग बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं। वाओ। मैं इन चीजों में थोड़ा माहिर हूँ। उन पेड़ों से बचो, तुम्हारी पतंग उनमें फंस सकती है। चिंता मत करो, मुझे मालूम है क्या करना है। ओह डियर, डैडी पिग की पतंग एक पेड़ में अटक गई। ओ नहीं। ओ। ओ। चिंता मत करो जॉर्ज, डैडी पतंग को नीचे उतार लेंगे। हुरे! हाँ। ध्यान से, वहाँ एक बड़ा मिट्टी का गड्ढा है। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे में कूदना अच्छा लगता है। हम गड्ढे में कूद सकते हैं? प्लीज। मैं नहीं चाहती तुम मिट्टी में गंदे हो जाओ। ओ। पीछे रहो बच्चों। जरा ध्यान से डैडी पिग। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जरा ध्यान से। बस थोड़ा सा और डैडी। डैडी पिग, तुम इस टहनी से काफी ज्यादा भारी हो। रहने दो, मैं जानता हूँ मैं इसे कितना भारी हूँ। डैडी पिग ने पतंग को उतार लिया। ओह डियर, सब के सब मिट्टी में सन गए। ये तो सिर्फ मिट्टी है। अच्छा हुआ डैडी पिग को कोई चोट नहीं आई और पतंग पेड़ से निकल आई। मम्मी, अब हम गंदे हो गए हैं तो क्या हम मिट्टी में कूद सकते हैं? हाँ ठीक तो है, अब तुम इससे ज्यादा गंदे तो हो नहीं सकते। और मुझे लगता है धुलाई का काम डैडी करने वाले हैं। ओ। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। मम्मी और डैडी को मिट्टी के गड्ढे में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। सभी को गड्ढों में कूदना अच्छा लगता है।
गड्ढों में ऊपर नीचे कूदने में उतना ही मजा है जितना पतंग उड़ाने में। हवा महल। पेपा और उसका परिवार बाहर घूमने जा रहे हैं। पेपा, जॉर्ज, आज हम हवा महल देखने जा रहे हैं। हवा महल क्या है डैडी? ये एक महल है ऊंची पहाड़ी पर। जॉर्ज को महल अच्छे लगते हैं। हवा महल एक बहुत ही बोरिंग जगह लगती है। नहीं पेपा, तुम्हें पसंद आएगा। हवा महल के ऊपर से सब सुंदर दिखता है और तुम्हें दादा और दादी पिग का घर भी दिख सकता है। वाह, चलो चले। मैं मैप पढ़ूंगा और मम्मी पिग गाड़ी चलाएंगी। सोच लीजिए डैडी पिग, मैप पढ़ने पर आप खो जाते हो और चिड़चिड़े हो जाते हो। हम गुम नहीं होंगे और मैं चिड़चिड़ा भी नहीं होऊंगा। हवा महल हम आ रहे हैं। क्या हम आप पहुंच रहे हैं? अभी नहीं। क्यों ना हम कोई गेम खेलें? जी डैडी, हम पहचानो क्या खेलते हैं। ठीक है, पहले मैं पूछूंगा। डैडी पिग किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को ये पहचानना है कि वो क्या है। मैं अपनी छोटी छोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूँ, बताओ। लाल? मेरी ड्रेस, ये लाल है। नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीं। गाड़ी। सही जवाब, अपनी लाल गाड़ी। मेरी बारी। मैं अपनी छोटी आँख से कुछ नीला देख रही हूँ। जॉर्ज की नीली शर्ट। नहीं, नीले रंग का गाड़ी में कुछ है। नहीं, हार गए। हार गए। आकाश, नीला आकाश, मैं जीत गई। डैडी पिग, क्या आपको पता है हम कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल पता है हम कहाँ पर हैं। अब ये रास्ता मैप के रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है। ओह डैडी पिग, हम खो गए हैं। हम नहीं खोए हैं। तो हम यहाँ से हवा महल तक कैसे पहुँचेंगे? जरा एक मिनट रुको। सुनिए, हम दादा और दादी को फोन करते हैं। दादा और दादी पिग को फोन करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ले जाऊंगा हवा महल, चाहे पूरा दिन लग जाए। पर हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हेलो, दादा पिग बोल रहा हूँ। दादा पिग, हम हवा महल तक पहुँचने के रास्ते में खो गए हैं। ओ, हो, 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 क्या डैडी पिग नक्शा पढ़ रहा है? हाँ, डैडी पिग मैप पढ़ रहे हैं और अभी थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ हूँ। ये सबसे अच्छा रास्ता है। जब तक तुम्हें अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं, मेन रोड पर चलते जाओ। थैंक यू दादा पिग। हमें मेन रोड पकड़कर हवा महल तक पहुंचना जैसा है। जैसा मुझे लगा था। देखो, क्या वो हवा महल है? हाँ, वही है हवा महल। चलो गाड़ी। चलो गाड़ी, तुम चढ़ सकती हो। हुर्रे! पेपा और उसका परिवार हवा महल पहुंच गए। वाह, ये कितना ऊंचा है। चलो अंदर चले, ऊपर से नीचे का नजारा बहुत सुंदर दिखेगा। वाह, जरा नजारा तो देखो। मम्मी, क्या वो दादी दादा का घर है? हाँ, वही है। कितना दूर है। चलो अब दूरबीन से देखते हैं। क्या मैं पहले देख सकती हूँ प्लीज? ठीक है, लेकिन उसके बाद जॉर्ज को देखने देना। वाह! दूरबीन से सब कुछ ज्यादा बड़ा दिखता है। मुझे दादी और दादा दिख रहे हैं। देखो जॉर्ज। दादी एक, दादा एक। जॉर्ज दादी और दादा पिग की तरफ हाथ हिला रहा है। बुद्धू जॉर्ज, दादी और दादा इतनी दूर से तुम्हें हाथ हिलाते नहीं देख सकते। तो ठीक है, हम उन्हें फोन करते हैं। हेलो दादा पिग, हम आपको हवा महल से देख सकते हैं। हमारी तरफ हाथ हिलाइए। दादी और दादा हमें हाय बोल रहे हैं। हवा महल बहुत अच्छा है। Frogs and worms and butterflies. पेपा और जॉर्ज गार्डन में ग्रैंडपा की मदद कर रहे हैं।
कितनी सुंदर बटरफ्लाई है। ग्रैंडपा, बटरफ्लाइज को फूल क्यों पसंद है? उन्हें फूलों से अपना खाना मिलता है। कैसे? उनकी बहुत लंबी जीभ होती है। मुझसे भी लंबी? ओ हाँ, बटरफ्लाई की जीभ तुम्हारी जीभ से भी लंबी होती है, इससे वो फूलों का रस पीती है। वाओ! पेपा, बटरफ्लाई को लगता है कि तुम एक फूल हो। लेकिन मैं फूल नहीं हूँ, मैं पेपा पिग हूँ। ये कितनी प्यारी है, मैं एक बटरफ्लाई बनना चाहती हूँ। पेपा बटरफ्लाई बनकर खेल रही है। मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। जॉर्ज, मैं बटरफ्लाई हूँ, तुम कुछ और क्यों नहीं बन जाते? मुझे पता है, तुम रेंगने वाले वर्म बन सकते हो। देखो देखो, मैं एक बटरफ्लाई हूँ। ओह डियर, जॉर्ज वर्म नहीं बनना चाहता, वो बटरफ्लाई बनना चाहता है। जॉर्ज, जब मैं छोटा पिगी था, मुझे वर्म बनकर खेलना पसंद था। वर्म बनना बहुत आसान है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। पहले तुम्हें जमीन पर लेटना होगा, फिर इस तरह रेंगना होगा। मैं एक रेंगने वाला वर्म हूँ। जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग को रेंगने वाले वर्म्स बनकर बहुत मजा आ रहा है। मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ, मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। देखो देखो, मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। हाँ पेपा, तुम एक सुंदर बटरफ्लाई हो। ग्रैंडपा जॉर्ज, अब क्या कर रहे हैं? हम रेंगने वाले वर्म्स हैं। मैं भी रेंगने वाला वर्म बनना चाहती हूँ, मैं रेंगने वाली वर्म हूँ। मैं एक रेंगने वाली वर्म हूँ। मैं हूँ रेंगने वाली वर्म, मैं हूँ रेंगने वाली वर्म। आप कैसे हैं? आप मुझे अच्छे लगते हैं, मैं हूँ रेंगने वाली वर्म। वो बहुत अच्छा था। अब तुम कौन सा जानवर बनना चाहते हो? मैं नहीं जानती। देखो ग्रैंडपा, यहाँ एक छोटा फ्रॉग है। तुम फ्रॉग बनकर क्यों नहीं खेलते? फ्रॉग इतने प्यारे नहीं होते जितने बटरफ्लाई, और वो ऐसे नहीं रेंगते जैसे वर्म। लेकिन फ्रॉग से एक खेल खेलते हैं जो तुम्हें पसंद है। क्या फ्रॉग गुड़ियों का घर खेलते हैं? प्यारी पेपा, तुम्हारा मन पसंद खेल क्या है? मिट्टी के गड्ढों में खेलना। हाँ, फ्रॉग्स को पसंद है मिट्टी के गड्ढों में खेलना। हाँ जॉर्ज, चलो फ्रॉग बन जाते हैं। मैं एक छोटी फ्रॉगी हूँ। मैं एक छोटी फ्रॉगी हूँ। फ्रॉगीज को खेलने के लिए एक अच्छा बड़ा मिट्टी का गड्ढा मिल गया। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। सबको मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। बटरफ्लाईज और वर्म्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे फ्रॉग ज्यादा अच्छे लगते हैं। ट्रेजर हंट। दादा और दादी पिग पेपा और जॉर्ज के लिए ट्रेजर हंट बना रहे हैं। दादी पिग ट्रेजर का मैप बना रही हैं। दादा पिग बगीचे में ट्रेजर को छुपाने के लिए जगह खोद रहे हैं। दादा पिग, आपका काम हो गया? पेपा और जॉर्ज आते ही होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं दादी पिग। पेपा और उसका परिवार आ गया है। जल्दी करो दादा पिग, वो आ गए। ओह, बस हो ही गया। दादा पिग ने बिल्कुल वक्त पर काम खत्म कर दिया। दादी पिग, हम आ गए।
कीजिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। दादा पिग। दादा जी। ओह कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? पेपा, जॉर्ज तुम्हारे लिए ट्रेजर हंट बनाया है। बगीचे में ही कहीं छुपा हुआ है खजाना। वाओ, खजाना कहाँ है वो? ओ, वो तो तुम्हें ढूंढना होगा। ये रहा खजाने तक जाने का नक्शा। और जॉर्ज मेरा पायरेट हैट पहन सकता है। ओ हेलो कैप्टन जॉर्ज। ये मैप थोड़ा मुश्किल है, डैडी आप मदद कीजिए। क्यों नहीं पेपा, मुझे मैप पढ़ना आता है। ये थोड़ा मुश्किल है। डैडी पिग, आपने नक्शा उल्टा पकड़ा है। अच्छा, मुझे भी ऐसे लगा था। ये आसान है, लाल क्रॉस दिखाता है खजाना कहाँ है। लेकिन गार्डन में वो दो सेब के पेड़ कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें मदद चाहिए? हाँ प्लीज। पहला क्लू बोतल में है, लेकिन बोतल कहाँ है? मुझे दिख गई। पेपा ने पहला क्लू ढूंढ लिया है। बोतल में मैसेज है। देखिए ये रही बोतल। शाबाश पेपा, देखते हैं मैसेज में क्या लिखा है। ओह, ये तो एक पायरेट का मैसेज है। मम्मी, क्या आप मैसेज पढ़ सकती हैं? इस समुद्री डाकू की राइटिंग बहुत ही खराब है। नहीं नहीं, पायरेट की लिखावट बहुत अच्छी है। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। पायरेट ने लिखा है, निशानों का पीछा करो। निशान का पीछा करो। जॉर्ज को दूसरा क्लू मिला है, कुछ एरोस के निशान जो लकड़ियों से बने। देखो वो उस तरफ जा रहे हैं। पेपा और जॉर्ज एरोस का पीछा कर रहे हैं। देखो जॉर्ज, एक चाबी। पेपा को अगला क्लू मिला है, एक चाबी। बहुत अच्छे पेपा, अब सिर्फ तुम्हें खजाने का बॉक्स ढूंढना है जो इसे खुलेगा। लेकिन यहाँ और कोई क्लू नहीं है। तुम्हें नक्शे को ठीक से देखना चाहिए। देखो पेपा, नक्शे में दो सेब के पेड़ भी हैं। यहाँ एक सेब का पेड़ है और ये रहा दूसरा सेब का पेड़। इसका मतलब खजाना यहाँ है। तो चलो देखते हैं। ओ नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जरा रुको, यहाँ पर कुछ है। वाओ, खजाना। मेरे पास इसकी चाबी है। वाओ, यकीन नहीं होता, सोने के सिक्के, ये तो बहुत कीमती होंगे। हाँ, उससे भी ज्यादा, ये सोने के सिक्के नहीं हैं। ये तो चॉकलेट के सिक्के हैं। और यहाँ सबके लिए चॉकलेट के सिक्के हैं। पेपा और जॉर्ज को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं। सभी को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं। दादी, दादा, ये सबसे अच्छे खजाने की खोज थी। बच्चे संभालना। मम्मी पिग और डैडी पिग शाम को घूमने जा रहे हैं। दादी पिग और दादा पिग बच्चों को संभालने वाले हैं। दादी पिग, दादा पिग, दादी एक, दादा एक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हेलो। पेपा, जॉर्ज, चलो सो जाओ जल्दी। गुड नाइट मेरे छोटे पिगीज। गुड नाइट, सो जाओ बच्चों। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट डैडी। कितने प्यारे बच्चे हैं। अब जल्दी से सो जाओ। जी मम्मी। कितने अच्छे बच्चे हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग बाहर जाने के लिए तैयार हैं। और जॉर्ज कितने अच्छे हैं। मम्मी पिग का कहना मान लिया और दोनों सो गए। इन बच्चों को संभालना बहुत आसान है। जॉर्ज,
जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? ये कैसी अजीब आवाजें हैं? शायद हमें ऊपर जाकर देख लेना चाहिए। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? लगता है दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। ओह, तो इसका मतलब वो शोर पेपा और जॉर्ज नहीं कर रहे थे। अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है वो गहरी नींद में सो गए हैं। चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। गार्डनिंग, आज हम गुलाबों के बारे में बात करेंगे। मुझे गार्डनिंग के शो बहुत पसंद हैं। कैप्सकेट एक विशेष कांटेदार गुलाब है। उसकी कटाई करने के लिए सबसे पहले उसका ऊपरी हिस्सा काटो और फिर टहनियां काटो। दादा पिग, पेपा, जॉर्ज, तुम्हें तो अभी सोना चाहिए। जॉर्ज और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही। क्या हम आपके साथ टीवी देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शायद थोड़ा टीवी देखकर तुम्हें नींद आ जाए। आइसलैंड के गुलाब किसी ज्ञानी गार्डनर के लिए बहुत मायने रखते हैं, पर ज्यादातर वो ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। ये शो तो बहुत ही बोरिंग है। दादा पिग, क्या हम वो खेल खेल सकते हैं जिसमें आप हमें उछाल कर पकड़ते हो? ठीक है, पर दोनों को सिर्फ एक एक बार। ओ, तुम तो पहले से भारी हो गई हो। अब जॉर्ज की बारी। हाँ, मेरी बारी। और ऊपर और ऊपर। दादा पिग थोड़े से थक गए हैं बच्चों। तो दादी पिग, क्यों ना हम पकड़ा पकड़ी खेले? चलो दादी, आपकी बारी। नहीं पकड़ सकते आप। मम्मी पिग और डैडी पिग घर वापस आ गए। हमारे छोटू पिगी सो रहे होंगे। हेलो, कोई जाग रहा है? छोटे पिगी सो रहे हैं और बड़े पिगीज भी।